शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर बताने की हिम्मत होती तो इन हाथों में चूड़ियां नहीं पहनते। अमीर मेरे बेटे, इन अंग्रेजों को मारने की सजा बहुत बड़ी होती है। यह आपकी रियासत है राजा साहब। Your Majesty, allow me to introduce Amir Haider, Raja of Anhawara, inheritor of the largest landholding in the Terai region of Aut. He must be brought up like an English boy, believing in our laws and our sense of fair play. Do you hear me? Yes, Your Majesty. Raja Sahab, Huzur Malkai Aliya farma rahe hain ki aapki taleem aur tarbiyat ekdam angrezi bachchon ki tarah ki jayegi. Your father was a loyal subject, and I loved him dearly. He died valiantly fighting for me. Grow up quickly and avenge your father and your queen. This is a token of our love and trust in the future Raja of Anhawara. I'm greatly honored, Your Majesty. He is now a true Englishman, Sir John Cavendish. Then my work is complete, Your Majesty. Not yet, Sir Cavendish. We have decided to appoint you as the Chief Commissioner of Aud to properly administer that tragically mismanaged region. And of course, you will also see that the boy does not stray from the path of loyalty. ये सिर्फ हाथों का खेल नहीं है, ये दिमाग का कमाल है। जब आपका जिस्म और आपका ध्यान एक नुक्ते पर जमा हो जाएं, तो आप सर से पांव तक हथियार बन जाते हैं। फिर सामने लाठी, बर्छी, बल्लम भाला कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर एक बात याद रखिएगा, इस फन को तभी इस्तेमाल करना चाहिए जब आपको यकीन हो कि आप हक पे हैं। चश्मे बदूर बच्ची का सदका उतार दीजिए। अल्लाह नजरे बरसे, अल्लाह सलामत रखे मेरी बच्ची को। खरी फसल क्या लाएंगे हम? और अब इनकी कैसी कर्जी करी सरकार? अगर तुम हमारा हुक्म नहीं मानेगा तो जानता है क्या होगा? अमीर मेरे बेटे, खुश रहिए, जीते रहिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमें तो कभी उम्मीद भी नहीं थी कि हम अपनी आंखों से तुम्हें अनलवाड़ा वापस आते देख सकेंगे, मगर मौला ने हमारी दुआओं की लाज रखी। हमें भी वतन वापस आके बहुत खुशी हो रही है नाना जान। कान तरस रहे थे ये एक लफ्ज सुनने के लिए। And the great ship that we travel upon. बहुत खूब, बहुत खूब। और ये देखिए। अरे वाह, ये तो मलिका है आपके साथ। हुजूर, राजा साहब अलीपुर तशरीफ ला रहे हैं। अरे वाह, खुशामदीद खुशामदीद, आइए 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 राजा साहब। अमीर बेटा, आपसे मिलिए, आप है राजा राज राजेश्वर नारायण दत्त सिंह। How do you do, sir?
ऐसे नहीं मियां साहबजादे, गले मिलिए। जाना तो आपकी माँ को मैंने बेटी बनाया था। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप तो बिल्कुल अपने वालिद पे गए। लेकिन जालिम ने मेरी बेटी की आंखें चुरा ली हैं। हमें इजाजत दीजिए नाना जी। आइए शौक साहब। आइए राजा साहब, तशरीफ रखिए। क्या आपने उसको बताया यहां क्या हुआ था? राजा साहब, अगर बताने की हिम्मत होती तो इन हाथों में चूड़ियां नहीं पहनते। राजा साहब, इबाई साहिबा, मगर बहुत खतरनाक भी है। इस नाच के वजह से आउट की बादशाहत चली गए है। वैसे तो इंडियन डांस की बहुत बुराई सुनी थी हमने, लेकिन आप बहुत अच्छा नाच करती हैं। हमारा मतलब है, बहुत अच्छा रक्स करती हैं आप। सच? हमने आज तक ऐसा नहीं देखा था। हाँ, मगर क्यों कर देखते, मलका टोरिया को तो कथक आता ही नहीं। आप शायद हमारा मजाक उड़ा रही हैं। तौबा तौबा, हमारी क्या मजा जो हुजूर का मजाक उड़ाए। हम तो ये अर्ज कर रहे थे कि सरकार पूरे अंग्रेज बन चुके हैं, बरसें लग जाएंगी अवध को समझने में। भेजा ठंडा रखा कर नूर, यूं महफिल छोड़ के चले आना हमारा दस्तूर नहीं है। आपने सुना नहीं वो लाल मुंह का बंदर क्या कह रहा था? हाँ, क्या? हम उनके सामने फिर नहीं नाचेंगे। तुम किसके सामने नाचोगी ये हम तय करेंगे। अगर हम चाहें तो तुम्हें कुत्तों के सामने भी नाचना पड़ेगा। हम कुत्तों के सामने नाचने को तैयार हैं। बहुत जबान चलती है तुम्हारी। यारो सुनो, ये दधि के लुटैया का बालपन और मधुपुरी नगर के बसैया का बालपन, वाह मोहन स्वरूप नृत्य करैया का बालपन, बन बन के ग्वाल गौएं चरैया का बालपन। बहुत खूब, बहुत खूब। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या क्या कहूं मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये लीजिए, हम सारे इलाके का चक्कर लगा कर आ गए हैं और यहाँ अभी तक बनाव सिंगारी चल रहा। अरे खुदा का खौफ रखिए राजा साहब, खुदा का खौफ रखिए। ये चार बाल काटने को बनाव सिंगार नहीं कहते हैं। आदाब चौहान, सुनाइए जो सुना रहे थे। कुछ नहीं, वो कृष्ण कन्हैया की शान में नजीर अकबराबादी साहब की नज्म सुना रहा था। आइए आइए, तशरीफ ले आइए। अब घुटनियों का उनके क्या चलना बयां करूं, या मुख से मीठी बातें निकलना बयां करूं, या बालकों में इस तरह पलना बयां करूं, या गोदियों में उनका मचलना बयां करूं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चलते ठुमक ठुमक के जो वो डगमगाती चाल,
थामे कभी जसोदा कभी नंद ले संभाल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यही तो है हमारी गंगा जमनी तहजीब। शायर मुसलमान है मगर श्री कृष्ण के बारे में क्या लिख रहा है, वाह सुभान अल्लाह। हुजूर इधर हिंदू शायर का भी यही आलम है, रसूल अकरम की शान में ऐसी ऐसी नातें लिखी हैं कि क्या कोई मुसलमान लिखेगा। बेशक बेशक, लेकिन ये सारी बातें अमीर समझ पाएंगे, यही फिक्र हमें सताती है। वो इस रियासत के राजा हैं, उन्हें अपने बुजुर्गों के तौर तरीके जानना बहुत जरूरी है। आप वजह फरमाते हैं मगर हुजूर अमीर मियां को ये सारी बातें आप और हम नहीं समझा सकते। उमर साहब आप उसको किसी ऐसे मदरसे में क्यों नहीं भेज देते हैं जहां हमारे आदाब सिखाए जाते हैं? ऐसा मदरसा कहाँ है राजा साहब? जाना तो शरीफ जादे तवायफों के कोठों पर सिर्फ नाच गाना देखने ही नहीं जाते, तहजीब सीखने भी जाते हैं। और फिर आपकी पुरानी महबूबा मुश्तरी जान से बेहतर उस्ताद और कौन होगा? राय तो बहुत अच्छी है राजा साहब, लेकिन अमीर इस बाजारी नाच गाने को अच्छा नहीं समझते, वो नहीं जाएंगे। आप मुश्तरी जान से बात करके तो देखिए, नूर की एक मुस्कुराहट उसे ऐसे खींच लेगी जैसे चुंबक लोहे को खींचता है। And this is where the Al Talikdars will be accommodated. The Muslims here and the Hindus here. Our Talukdars won't mind staying together, sir. They're united as a class. Well, my friend, they will not stay that way for long if I have my way. Tell me, do these fellows have a club of their own? Yes. The British Indian Association. My grandfather has made me join as a member. Then perhaps I can address them when your British Indian Association has its elections. I've been told they elect their president unanimously, sir. Oh, no. We can't have that, can we? In the interest of democracy, there must be fair and free elections. And in the interest of fairness, there will be one Hindu and one Muslim candidate. You, of course, will be the Muslim candidate. I cannot do that, sir. Nobody will vote for me. You will be surprised. I will speak with the Hindu candidate, ask him to stand and then step down in your favor. But, sir... Take it as an order, Amir. The Queen will appreciate your gesture. समझ लीजिए कि आपका काम हो गया कुंवर साहब, बस एक बार साहबजादे को यहां पहुंचा दीजिए, फिर मुश्तरी जान का कमाल देखिएगा, सोना आएगा और कुंदन बन के जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। इसे रखिए। रख भी लीजिए, पेश की समझ लीजिएगा। तुम अभी तक ऐसे ही बैठी हुई हो? तुमसे हमने कहा नहीं था कि मगरिब से पहले तैयार हो जाना? पूछने से पहले शम्मा को परवाना चाहिए, मजनू के बाद दश्त को दीवाना चाहिए। हाय लामा, आप कितना अच्छा कहती थी। ये तुम्हें हमारी बयाज कहाँ से मिली? रुको रुको नूर। अम्मा ये खजाना आपने अलमारी में छुपा रखा था। नूर एक मिनट, यहाँ तो कुछ और भी लिखा है अम्मा, पढ़ा नहीं जा रहा है। बेगम हजरत महल के काफिले पर हमला। खबरदार जो तुमने हमारी चीजों को छुआ। अगर हम पढ़ भी लेते तो क्या हो जाता? जब वक्त आएगा तो मैं तुम्हें पढ़ने दूंगी। अभी ऐसा करो, तैयार हो जाओ, ये लो रुपट्टा। राजा साहब नलवारा तुमसे मिलने के लिए आ रहे हैं, जल्दी से तैयार हो जाओ बेटा। चलो नसीबन जी, गिलोरिया बना के जल्दी नीचे आओ। अच्छा बेगम साहब। वो काले साहब बहादुर, उठो जी। हम बनाते हैं। क्या तुम?
आदाब आदाब आइए आइए हुजूर आदाब आदाब सरकार तस्लीम मुजरा अर्ज करते हैं हुजूर पान से शौक फरमाएंगे पान हम पान नहीं खाते राजा साहब आपके नाना जान का हुक्म है कि आपको नवाबों और राजाओं के आदाब सिखाए जाएं आप यूं टका सा जवाब देंगे तो कैसे काम चलेगा हम सचमुच पान नहीं खाते तो आज से खाना शुरू कर दीजिए आप कहती हैं तो खा लेते हैं अरे ठहरिए ठहरिए हुजूर इस तरह से नहीं सरकार पहले थाली में कुछ नजराना रखिए फिर गिलोरी उठाइए ग्लोरी ओके अल्लाह जल्दी कीजिए ना हमारा तो हाथ थक गया सॉरी बिस्मिल्लाह अरे आप तो बिल्कुल अनाड़ी हैं पूरी ग्लोरी मुंह में रखिए पूरी 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 ग्लोरी जी अरे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ हुजूर क्या हुआ अरे इस ग्लोरी में क्या था तुम्हारा सारा मुख अल्लाह अरे नसीबन नामुरान जी आज नसीबन इतनी उम्र हो गई है तुम्हारी अभी तक पान लगाना नहीं है राजा साहब के पान में इतना चूना लगा दिया कि उनका मुंह कट गया जी पान तो बीवी नूर ने लगाया था नूर ने जी माफी चाहती हूँ राजा साहब भूल हो गई जई सा कथा चाट लीजिए नो नो नहीं नहीं हमें इजाजत सारा मुंह कट गया सरकार ये लौंडिया तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगी नाक कटा के रखेगी मेरी रॉबर्ट साहब अब ले सकते हैं जितनी खूबसूरत मेरी बेटी है उतनी ही खूबसूरत इसकी फोटो होनी चाहिए मेरी बेटी मेहरू निशा अब दुल्हन बनेगी दुल्हन आदाब शौक आदाब बजा लेता हूँ तशरीफ ले आए आप जी कहिए शाखसार को कैसे याद किया आपने राजा साहब कैसे हैं दो दिन से नजर नहीं आ रहे क्या बताएं उनकी तबीयत खराब चल रही है पता नहीं किसने उन्हें चूने का पानी पिला दिया हलक सूझ गया है और मुंह में छाले पड़ गए हाय अल्लाह किस नामुराद ने उन्हें चूना लगा दिया यही तो समझ नहीं आता कि अमीर जैसे भले आदमी का दुश्मन कौन हो सकता है उनकी आंखों को देखकर अख्तर नशा बेख्तियार आ जाए चंपाई रंग यार आ जाए निखते खुशगवार आ जाए बैद जी से शहद आए हैं जरी से चख लीजिए गला ठीक हो जाएगा ये शहद हम चख तो लेंगे लेकिन सिर्फ एक शर्त पे बताइए एक अच्छी सी गजल सुना दीजिए कौन सी गजल सुनिएगा वाजिद अली शाह की ये गजल है चंपई रंग यार आ जाए निखते खुशगवार आ जाए
ऐसे क्या देख रही हैं हमारी आंखों में? आपको मालूम है क्या? आंखें बहुत मुफट होती हैं। जो बात जबान पर ताले डाल देती है आंखें एक नजर में कह देती हैं। अच्छा, तो फिर बताइए कि हमारी आंखें इस वक्त क्या कह रही हैं? कह रही हैं कि शाम हो गई है, दिए जले से पहले लौट जाना चाहिए। बिल्कुल गलत। हम सोच रहे हैं कि आज पूरे चांद की रात है, शाम होने को है। चलिए गोमती की सैर को चलते हैं। चलिए, मजा आएगा। लेकिन कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए कि हम ऊपर आसमान की तरफ तो देखेंगे ही नहीं। क्यों नहीं देखेंगे? इसलिए कि हमारे साथ नीचे जमीन पर आप जो हों। माशाल्लाह, यहाँ आंखें ही नहीं जबान भी बोलती है। बहुत देर से यह दिल भी कुछ कह रहा है, सुनेंगे? बड़े भैया, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। इससे पहले कि फिरंगी विक्टोरिया को हिंदुस्तान की मल्लिका बनाने का ऐलान करें, हमें फिरंगियों को मार कर निकाल देना चाहिए और अपने बादशाह को कलकत्ते से लाकर वापस गद्दी पे बैठाना चाहिए। इंशाल्लाह जरूर, अगर अल्लाह ने चाहा तो। हाँ साहब, ठीक कह रहे हैं, हथियार उठाने का समय आ चुका है। हथियार 20 साल पहले भी उठाए गए थे, मगर अंजाम क्या हुआ? हम हार गए। कानपुर से इलाहाबाद जाने वाली बड़ी सड़क के दोनों तरफ हर पेड़ से लटकी हुई लाशें हमने अपनी आंखों से देखी हैं। कौन थे वो लोग जिन्हें फांसी पे चढ़ाया गया, जिनकी लाशों को 2 गज जमीन या 2 मन नकदी भी नसीब नहीं हुई? वो आपके बाप भाई बेटे ही तो थे, और आप चाहते हैं खून भरी कहानी फिर दोहराई जाए? साथियों, लड़ने के लिए जोश के साथ होश की भी जरूरत होती है, और होश का तकाजा यह है कि आप अपने जोश को काबू में रखें, साथ ही ये यकीन भी रखें कि इनकलाब जरूर आएगा। हाँ। ये तावीज हमेशा अपने पास रखना जी। इसमें अवध की मिट्टी और गोमती का पानी, और इस पे जो निशान है वही तुम्हारी पहचान है।
मुहर्रम में कोठा बंद रहता है, बाद में आइएगा। मुहर्रम? नो मुहर्रम, दरवाजा तोड़ दो। 40 दिन तक गाना बजाना कुछ नहीं होगा। ये हराम के जने नशे में धुते हैं, ऐसे नहीं मानेंगे। तोड़ दो दरवाजे क्यों? तो क्या हुआ अम्मा? तुम लड़कियों को लेके अंदर जाओ। चलो 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 चलो। और वो महापारा, महापारा कहाँ? महापारा? क्या बात है बेबी? नशे में धुत। ये क्या है? अलीजान, हमको वाइन चाहिए है, वाइन। हुजूर, मुहर्रम में शराब का नाम लेना भी हराम है। अलीजान, अरे अरे ये कहाँ जा रहा है? ये कहाँ जा रहा है? अरे रोक, अरे छोड़ो, अरे छोड़ो, अरे छोड़ो, कहाँ जा रहा है? And so, my dear friends and members of the British Indian Association, as a mark of gratitude from the Queen herself, His Excellency Lord Lytton, the Viceroy of India, has invited the Talukdars of Oudh to the Grand Durbar. And now to business. The names of the candidates for the election of the President of the British Indian Association of Oudh. The Hindu candidate, Raja Shyam Sundar Singh of Ganganagar. Hi, Maharaj. Hi. And the Muslim candidate, Raja Amir Haider. Wow. Good luck. Thank you. Mubarak ho. Mubarak ho, beti. Mubarak ho, Mubarak ho. Pranam. Thank you. Thank you, gentlemen. Thank you. Hai Naseeban, kam se kam jaake wo alam to seedha karo. Aur Asghar Mian, sharbat ke andar shakar kam na honi chahiye. Phika raha to theek nahi hoga. Haan, bitiya, saleeke se bichhao, faayde se. Raja sahab, Anhalwada. ना दिन दिन्ना आ रहे हैं। अम्मा, शाम को जनानी मजलिस है, आपने राजा साहब को क्यों बुलाया? मैंने नहीं बुलाया, तुमसे मिलने आ रहे होंगे। हम यहाँ से गुजर रहे थे तो सोचा नूर साहबा की मिजाज पुरसी करते जाएं। जी बेशक। अरे कौन आया है मुश्तरी? खुदा इनको गारत करे, मुए मुर्दों का जनाजा खुर्री खटिया पर निकले। हरामजादे घर में घुस आए, अरे ये भी नहीं सोचा कि मुहर्रम है, है? क्या हो गया अम्मा? आदाब, कौन घुस आया, क्यों गुस्सा कर रही हैं? चार फिरंगी सिपाही आए थे। अरे बेटा, वो तो कहो अल्लाह ने बड़ा खैर कर दिया, पड़ोसी आ गए थे हिफाजत के लिए, उन कमबख्तों ने नूर को पकड़ लिया था, मौला जाने आगे क्या होता। ये अम्मा क्या कह रही हैं, हमें यकीन नहीं आ रहा। अंग्रेज तो बहुत इंसाफ पसंद, बहुत तहजीब याफ्ता कौम है, वो ऐसे कैसे कर सकते हैं?
गुस्ताखी माफ राजा साहब, आप सारी जिंदगी लंदन में रहे हैं, आपने वही देखा जो अंग्रेजों ने आपको दिखाया, मगर हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब आप यहां आ गए हैं तो दूसरा पहलू भी देखिएगा। आप दिखाएंगी तो जरूर देखेंगे। यहाँ खेती कौन करता है? हम कर रहे थे माए बाप। तो ये जमीनें बंजर क्यों हैं? सरकार गेहूं की फसल जलाए के अफीम बोई की खातिर कोशिश करे रहे, अब वो भी नहीं होगी सरकार। लेकिन नई फसल के लिए खड़ी फसल को जलाने की क्या जरूरत थी? ये किसानों का फैसला नहीं हुजूर, सरकारी हुक्म है। समझ में नहीं आता इस जाहिल कौम ने इतने बड़े हिंदुस्तान पर कब्जा कैसे कर लिया। इन्हें तो ये भी नहीं पता कि अफीम की खेती के लिए ना तो अवध की जमीन सही है और ना मौसम। गेहूं की खड़ी फसल जबरदस्ती जला दिए और अफीम के पौधे इस धूप से जल गए। अब तो खेतों खाली है और पेठाओ खाली है, घर घर से जनाजे और अर्थियां उठ रही हैं हुजूर। तुम लोगों ने ये क्यों नहीं कहा कि अगर अफीम उगाओगे तो खाओगे क्या? बहुत फरियाद किए हैं माए बाप। तो क्या जवाब मिला? ये जवाब मिला है हुजूर, इन जमीनों का मालिक कौन है? ये आपकी रियासत है राजा साहब, आप हैं इन जमीनों के मालिक। ये तेलंगाना की तस्वीर है जहां हजारों लोग भूख से मर रहे हैं। सो ट्रेजिक। हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि भूखमरी पूरे मुल्क में फैल गई है। 10 million people have died so far. 1 करोड़ लोग, 1 करोड़ लोग मर गए, मगर क्यों? Because the rice and the wheat has been sent to Britain, and the farmers are being forced to grow opium. Forced to grow opium? Why are we forced to grow opium? हम अफीम क्यों गए आखिर? To make the Chinese addicted to it. It's the only way to make them weak. इतने में घास भी नहीं उग रही है, सब लोग घर छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। बच्चन का पेट भर दो, अल्लाह भला करी। जानू में कुंडे मुड़ फिरंगी आए हैं, तब से ये तबाही आई है। नवाब वाजिद अली शाह के जमाने में कभी कोई भूखा सोया था क्या? लो जाने कब यहाँ से इंतफा होंगे। जरा तुम आहिस्ता बोलो, कुछ सुनेगा। अरे जाओ। नसीबन, ओ नसीबन, गल्ले में से इनके लिए दाल और चावल ला करके दे दो, है ना? अच्छा जल्दी कर लो, चुप कराओ बच्चों, बस आ रही है। पैसा मिल जाती तो लड़कन का दूध ले लेते। अब जो कहा है वो मिल जाएगा, अब अगला दरवाजा देख। नसीबन चलो।
बस अल्लाह रहम करेगा। रुकिए रुकिए रुकिए, लीजिए। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपका दामन हमेशा खुशियों से भरा रहे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हजारों रुपए के जेवर उठा के दे दिए। जेवर तो फिर आ जाएंगे अम्मा, दुआ करो ये वक्त फिर ना आए। ये लौंडिया अब हाथ से निकली जा रही है अम्मा, इसका कुछ करना पड़ेगा। अरे ये उसका खून बोल रहा है मुश्तरी, वो भी ऐसे ही दिल वाला था।